तो स्टूडेंट्स लुक एट योर असाइनमेंट द केस स्टडी क्वेश्चन ऑन द बॉटम ऑफ द पेज वन। केस स्टडी इन ए वेल फिल्ड विद वाटर। बच्चों एक पानी का कुआं है, वेल है, कुआं, राइट। सो लेट्स से दिस इज अ वेल, राइट। सो वाटर इज फिल्ड इन टू इट, राइट। सो व्हाट ही सेज, 184.053 लीटर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस वेल। मीन्स फ्रॉम दिस वेल लेट्स से वी हैव रिमूव्ड दिस मच पार्ट। ये पहला वाला पार्ट हमने रिमूव कर दिया। लेट्स से दिस इज 184.053 लीटर्स। इज दिस क्लियर बच्चों? नाउ व्हाट ही सेज, आफ्टर दिस 28.75 लीटर्स इज ऑल्सो रिमूव्ड। लेट से दिस पार्ट इज ऑल्सो रिमूव्ड। वट इज दिस? दिस इज 28.75 लीटर। इज इट क्लियर? सही है। देन अगेन वी हैव रिमूव्ड, लेट से फ्रॉम दिस दिस पार्ट इज रिमूव्ड एंड दिस पार्ट इज 84.25 लीटर्स। इज क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? नाउ आफ्टर दीज विड्रॉज देयर आर 160.534 लीटर्स इन द वेल। बच्चों जो ये बाकी बच गया है इसमें वेल में वॉटर, दिस इज इक्वल टू 160.534। दिस मच वॉटर इज लेफ्ट इन द वेल। दिस इज क्लियर? वट वी हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टोटल वॉटर हैज बिन रिमूव फ्रॉम द वेल। हाउ मच टोटल वॉटर हैव बिन रिमूव फ्रॉम द वेल। हाँ जी, गुरमनप्रीत कौर फ्रॉम सेक्शन ए। गुरमनप्रीत कौर प्लीज कम, सर सर शी इज एब्सेंट। ही इज एबसेंट। गेविन सिंह गर्चा, आ जाओ बच्चे, अपनी असाइनमेंट साथ लेके आना, जल्दी आओ बच्चे, जल्दी आओ। बेटा व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, प्लीज कम फास्ट। गेविन सिंह गर्चा जल्दी से आ जाओ माइक पे। यस सर। अच्छा माइक पे ही हो आप, ओके। हाँ जी बेटा, हैव यू अंडरस्टूड द केस स्टडी? यस बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का क्या मीनिंग है? आपको केस स्टडी समझ में आई है? क्या यस क्या है केस स्टडी में बेटा? एक वेल है बच्चे, एक वेल में से हमने 3 बार पानी निकाला, राइट। पहली बार जो पानी निकाला दैट इज 184.053 लीटर्स, दूसरी बार में निकाला 28.75 लीटर, एंड थर्ड टाइम वी हैव रिमूव्ड 84.25 लीटर्स। वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच टोटल वाटर हैज बीन रिमूव्ड। व्हाट विल डू इन दिस क्वेश्चन, क्या करेंगे बच्चों, कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड्स। गेविन सिंह गर्चा प्लीज सिट डाउन। हाँ जी, सेक्शन बी से कौन बताएगा, प्लीज रेज योर हैंड। सेक्शन बी, नो वन, नो वन फ्रॉम सेक्शन बी। आ जाओ बच्चे, पीछे से एक मुझे हैंड नजर आया है, लास्ट बेंच प्लीज कम। हु वाज देयर फ्रॉम द लास्ट बेंच, जिसने हैंड रेज किया प्लीज कम। यस प्लीज कम बच्चे, सेक्शन बी। यस, हाउ मच वॉटर इज रिमूव, प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी बोलिए बच्चा, आवाज नहीं आई आपकी। बेटा आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है, प्लीज सिट डाउन। सेक्शन सी से कौन बताएगा जी, प्लीज सिट डाउन बेटा। यस हाँ जी, पीछे वाले बेंच से कोई नहीं है बेटा, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही बच्चे, सेक्शन बी से।
देर इज सम इश्यू विद द माइक। हाँ आप ठीक आइए। तो व्हाट यू हैव डन बेटा, विल ऐड दीज थ्री, दिस वन प्लस दिस, बिकॉज वी हैव रिमूव वाटर थ्री टाइम्स। फर्स्ट टाइम 184.053 लीटर, सेकेंड टाइम 28.75 लीटर, एंड थर्ड टाइम 84.25 लीटर। सो यू जस्ट ऐड दीज थ्री नंबर्स। देखिए बच्चों ऐड कैसे करना है। फर्स्ट क्वांटिटी लिखी है आपने, देन सेकेंड क्वांटिटी। नाउ इट इज 28.75 लीटर। देखिए आपको लिखना कैसे है बच्चे, डेसिमल के नीचे डेसिमल और द टर्म्स विच आर बिफोर द डेसिमल एंड टर्म्स विच आर आफ्टर द डेसिमल, राइट। एंड व्हाट इज द थर्ड टर्म, 84.25, राइट बच्चों, इज दिस क्लियर। यस हाँ जी, उसके बाद आ जाओ रेनू, रेनू भूमला, सेक्शन ए से जी। इशी देयर, या प्लीज कम बच्चे। बेटा इनको ऐड कैसे करेंगे, प्लीज टेल मी हाउ विल ऐड देम। बेटा एक तो आप कैमरा के आगे आ जाइए ताकि नजर आए मुझे, आप माइक हाथ में ले लो बेटा आप। बोलिए बच्चे बोलिए। रेनू भूमला आपको बोलना है बेटा, डू यू नो इट और नॉट। आपको एडिशन करना आता है डेसिमल्स का या नहीं आता बच्चे, तो आता है बताइए बेटा हाउ टू ऐड दीज थ्री थिंग्स। बेटा, बेटा नोबडी शुड टॉक फ्रॉम सेक्शन सी, द गर्ल सिटिंग ऑन द फ्रंट बेंच स्टॉप टॉकिंग। हाँ जी बताइए जल्दी से रेनू। बेटा व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग मी। आपको अगर आता है तो प्रॉब्लम क्या है बेटा समझाने में, फिर थ्री बेटा सी देयर इज थ्री हेयर इज नथिंग, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, जीरो। जीरो वाई जीरो, सर, बिकॉज वहां है नहीं कुछ। वहां पे है नहीं कुछ, और डेसिमल के बाद आप जितने भी जीरो लगा दे दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो अब इनको ऐड किया तो कितना बना बच्चे यहाँ पे, थ्री। थ्री नेक्स्ट फिफ्टीन वन कैरी हो जाएगा, देन वन कैरी टेन वन कैरी हो जाएगा, वहां टेन आ गया, जीरो आया, वन कैरी हो गया, वन देखा। कैरी सेवनटीन हाँ जी फिर क्या करें, वन कैरी हो जाएगा, सेवन वहां 17 आ गया, 8 4 12, 17 वन कैरी कर लिया, देन 19 वन कैरी हो जाएगा, नाइन आ जाना। वेरी गुड। तो आप इतनी देर से बोल के नहीं रहे थे, आपको तो आता है सारा कुछ। हाँ रेनू बच्चे बोल क्यों नहीं रहे थे आप पहले, वाई सो मच हेजिटेशन। चलो वेरी गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन। इज दिस क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर। सो दिस इज अ टोटल वॉटर विच हैव बिन विड्रॉल इन ऑल अटेम्प्ट। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट इज द डिफरेंस इन क्वांटिटी ऑफ वॉटर रिमूव्ड एंड क्वांटिटी लेफ्ट इन द टैंक। सी दिस मच वॉटर इज रिमूव्ड, दिस मच वॉटर इज रिमूव्ड, राइट। एंड दिस मच वाटर, देखिए जो मैंने सर्कल किया है, दिस मच वाटर लेफ्ट, राइट बच्चों। सो यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल वाटर रिमूव्ड एंड द वाटर लेफ्ट। नाउ व्हाट वी शैल डू, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ विच टर्म फ्रॉम विच टर्म। क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज रिमूव्ड एंड लेफ्ट इन द वेल। राइट, सो प्लीज फाइंड आउट द डिफरेंस, सबट्रैक्ट
160.534 फ्रॉम 297.053। प्लीज डू इट बेटा। Now you have to subtract 160.534, राइट बच्चों? प्लीज डू इट। बेटा विजिबल है ही नहीं है। हाँ जी, कौन बताएगा? चलिए मैं पूछ लेता हूं। सेक्शन सी से सरगुन कौर। प्लीज कम फास्ट सरगुन। हाँ जी बेटा बताइए जरा। 297.053 -160.534 माइनस करना है सर। कर दीजिए, बताइए क्या क्या किया आपने, कैसे माइनस किया। थ्री सर 3 का 13 आ जाएगा और नीचे 9 आ जाएगा का 13 कैसे हुआ बेटा? सर। कैरी कैरी किया वो, बोलो ना। तो यहाँ पे कैरी किया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 13 बन गया। 13 माइनस 4 9 9। उसके बाद सर 5 कट 4 हाँ वो तो हो गया, 4 मैंने कर दिया, सर नीचे 1 आ जाएगा जानना आ जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद सर 0 का 10 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 का 5 आ गया। उसके बाद सर 6 7 का 7 का कट कर 6 आए और नीचे 6 आ जाएगा वेरी गुड। नेक्स्ट, सर 9 -6 3 वेरी गुड 2 -1 1 वेरी गुड वेरी गुड। सरगुन प्लीज सिट डाउन। तो सबको क्लियर आया सब्ट्रैक्शन कैसे किया हमने? चलिए तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? हाउ मच वाटर डिड द वेल ओरिजिनली हैव? कौन बताएगा बेटा? प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी, नवजोत सिंह, सेक्शन सी। नवजोत सिंह प्लीज कम, आ जा बच्चे। हाँ जी बच्चे, प्लीज टेल मी व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। वी हैव टू फाइंड आउट, बेटा एक तो कैमरे में आ जाओ, आप साइड में नहीं खड़े होंगे, और थोड़ा इधर आओ। हाँ जी आप ठीक है। हाँ जी बताइए व्हाट वी हैव टू डू। बच्चे आपको आता है? सर बेटा डू यू नो इट और नॉट नवजोत? यस प्लीज टेल मी व्हाट वी हैव टू डू। पूछना नहीं है दूसरों से, अपनी नोटबुक ठीक कर लो, मुझे सब नजर आ रहा है, चीटिंग हो रही है जो। एंड यू गर्ल्स सिटिंग ऑन द फ्रंट बेंच, यू प्लीज गो ऑन द बैक बेंच। हाँ जी बच्चे बोलिए जरा नवजोत, जल्दी से। सर हाँ बोलो बोलो। सर क्वांटिटी ऑफ वाटर को एंड मूव्ड ऑफ क्वांटिटी के साथ ऐड करना है यस वेरी गुड बेटा। दिस मच क्वांटिटी इज रिमूव्ड, राइट? दिस मच इज रिमूव्ड, दिस मच इज लेफ्ट, सो यू हैव टू ऐड बोथ दिस, राइट? सो नाउ 297.053 we have removed and leftover is this much, right बच्चों? तो इन दोनों को आपको ऐड करना है। अब वहां पे हमने सब्ट्रैक्शन की है, राइट? तो यस हेयर वी हैव टू ऐड देम। बताइए ऐड करके कितना आ रहा है बेटा?
हाँ जल्दी बताओ। सर 3 + 4 = 7। सेवन आ गया आगे, ये कितना आ जाएगा? सर सर 8, उसके बाद फाइव, 5, देन सेवन। मैं 7, कैसे आया बेटा? सर क्योंकि नीचे 0 वेरी गुड, उसके बाद है सर। 15 तीन का क्या आएगा? सर, 1 कैरी वन कैरी कर लिया, तो सर, 4 कितना आ गया आंसर बच्चे? 457.587, दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन। दिस इज क्लियर? प्लीज सिट डाउन बेटा। किसी बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं क्लियर है तो प्लीज टेल मी। राइट, नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। इफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ वेल इज 1000 लीटर्स, राइट, एंड नो वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम वेल, हाउ मच मोर वाटर कैन बी एडेड टू कंप्लीटली फिल्ड द वाटर। आप देखिए, क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? पहले तो ये बताइए। हाँ जी, आपको क्वेश्चन समझ आया बच्चों? यस और नो? हाँ जी, क्या बेटा? देखिए अब वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझिए जरा, कि अगर वेल के अंदर टोटल क्वांटिटी जो है दैट कैन बी पुट इज 1000 लीटर, राइट, टोटल क्वांटिटी कितनी है? 1000। प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, एवरीबॉडी लुक एट द बोर्ड। इफ द टोटल क्वांटिटी दैट कैन बी पुट इन द वेल इज 1000 लीटर, मैम। हाँ जी बच्चे, इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द वेल इज 1000 लीटर, राइट, एंड वी हैव नॉट रिमूव्ड एनी वाटर फ्रॉम द वेल, ठीक है, जो उसके अंदर टोटल वाटर था दैट इज द देयर। नाउ हाउ मच वाटर वी हैव टू ऐड? सी, लेट्स से अर्लियर दिस वाज द वाटर, कितना लेवल था बेटा वाटर का? हमने लास्ट किया है ना अभी, व्हाट वाज द टोटल वाटर प्रेजेंट? 455, 457 पॉइंट दिस मच वाटर वॉज प्रेजेंट। यस, वी हैव टू फिल दिस कंप्लीटली, हाउ मच मोर वाटर वी रिक्वायर, व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस? सब्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट फ्रॉम व्हाट? वन बाय वन? नो नो, भिंडी बाजार। हाँ जी, सेक्शन ए से आ जाइए जरा, ये मैम के साथ में जो गर्ल ने हैंड रेज किया है ना अभी। हाँ जी बच्चे, सर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 457.587 फ्रॉम 1000। चलिए करते हैं, हम इकट्ठे ही करते हैं, बताइए कैसे करना है सब्ट्रैक्ट। मैंने 1000 लिख दिया यहाँ पे, आप इसको सब्ट्रैक्ट करके बताइए जरा कैसे करना है, पॉइंट बाय पॉइंट। हाँ जी बताइए बेटा कैसे करेंगे? बोलो बोलो, सर फर्स्ट वी विल मेक 0 × 10। बताइए कैसे करेंगे? सर
सर वी विल मेक 0 into 10 बाय हाउ सर बाय कैरिंग टू द नेक्स्ट 0 एंड आफ्टर दैट वी हैव टू टेक कैरी मीन्स इसको हमने 10 बना दिया. नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर? सर 9 9. इसको 9 कर दिया. व्हाट विल बी हियर? नाइन व्हाट विल बी हियर? सर नाइन हियर नाइन एंड हियर. नाइन हियर. सर यस नाउ प्लीज डू इट. हाँ जी. 10 माइनस 7. थ्री 9 माइनस 8. वन 9 माइनस 5. फोर 0. 9 माइनस 7. 2. टू 9 माइनस 5. फोर 9 माइनस 4. फाइव सो दिस विल बी द क्वांटिटी ऑफ वॉटर वी हैव टू पुट इन द वेल टू मेक इट कंप्लीटली फिल्ड. इज दिस क्लियर बच्चों? सर किसी स्टूडेंट को कोई स्टेप नहीं समझ आया तो प्लीज टेल मी. एनीथिंग नॉट क्लियर, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क द क्वेश्चंस. प्लीज आस्क द क्वेश्चन बच्चों. एनी वन हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन. ये इतना इजी नहीं है जितना लग रहा है बेटा. ठीक है चलिए. इफ यू डोंट वांट टू आस्क क्वेश्चन वी शैल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मॉड्यूल 2 डेसिमल्स क्वेश्चन नंबर 5. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच मेक द गिवन एक्सप्रेशन ट्रू. बच्चे आपको दो एक्सप्रेशन गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. व्हाट इट इज रिटर्न? 12.5 प्लस 5.2 प्लस 8.5 प्लस 9.25 और बीच में एक साइन है जी, राइट? एंड दिस इज 2.9 प्लस 15 माइनस 6.88, राइट बेटा? वी हैव टू इंसर्ट अ साइन इन दिस ब्लॉक. अब साइन किस किस का हो सकता है बच्चे? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल और कांट बी डिटरमिंड, राइट बच्चों? सर व्हाट यू विल डू इन दिस? हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाली सारी साइड्स को सॉल्व करेंगे. यहां पे सारी एडिशन टर्म्स हैं तो इन सबको ऐड करेंगे. देन राइट साइड वाली टर्म्स, राइट साइड में फर्स्ट टू एडिशन है, थर्ड टर्म नेगेटिव है, फोर्थ टर्म पॉजिटिव है. तो व्हाट विल डू, हम सारी पॉजिटिव टर्म्स को एक बार ऐड करेंगे, फिर नेगेटिव टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन विल कंपेयर द बोथ साइड्स. प्लीज डू इट बच्चों, लेट अदर्स आल्सो डू इट. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन? 1 2 3 4 5 6. दैट्स इट. बस 6 बच्चों ने किया अभी तक. प्रॉपर्ली अदर्स प्लीज डू. सेक्शन बी में कोई कर ही नहीं रहे हैं, क्या बात? आपको पता है आपका नंबर तो आना नहीं है, है ना? माइक नहीं चलता. कोई नहीं बेटा, फिर भी बुला लूंगा मैं इस बार. मैम प्रेजेंट विल चेक दियर क्वेश्चन. प्लीज डू इट बच्चों फास्ट. ये बेटा सेक्शन बी से किसकी आवाज आई है? ये आपसे आंसर तो नहीं पूछा ना बेटा? हैव आई आस्क यू, हैव आई आस्क आंसर फ्रॉम यू? बेटा लेट अदर्स आल्सो डू इट. इफ यू हैव डन वेरी गुड, बस दूसरों को भी मौका दो ना बेटा करने का. चलिए जल्दी से कीजिए बेटा, मैं बुला लेता हूं किसी भी बच्चे को. सेक्शन ए में से कितने लोगों ने कर लिया?
हरीश हरीश कुमार फ्रॉम सेक्शन ए, प्लीज कम। हरीश कुमार। हाँ जी बच्चे, हो गया आपका? सर यस बताइए क्या किया बेटा आपने, लेफ्ट साइड वाला बताइए। लेफ्ट सर सबको ऐड करना है, कैसे करेंगे? चलो साथ साथ करते हैं दोनों। 12.5, 5.2, यस 8 पॉइंट, फाइव और क्या है? सर 9.25 हाँ जी, कैसे ऐड करेंगे इनको बताइए जरा। सर वी हैव टू पुट जीरो ऑन यहाँ पे यस और कहाँ पे? अच्छा नेक्स्ट जी, 0 पुट कर दी सारे में। अब क्या करें, ऐड सर एड कैसे कैसे करें बताइए। फाइव सर फाइव आ गए यहाँ पे। अब सर 14 14 आ गया, 4 ले ला दिया, आगे क्या करें? अनकैरी वन कैरी कर लिया जी। देन 50 55-0। हाँ सर नो कैसे सर 15 आया बेटा 15? सर नो 25 25। हाँ 25 आ रहे हैं। 1 2 3 5 8, 8 16 25, यस 5 आ गया। देन कैरी तू कैरी किया, कितना आ गया? 3 30। सिट डाउन बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाए जी अंशु कुमारी, सेक्शन बी। अंशु कुमारी फ्रॉम सेक्शन बी, ओके। उसके बाद आ जाए गुरकिरण कौर। सर सर हाँ जी बच्चे, नाउ प्लीज टेल मी हाउ टू सॉल्व द राइट हैंड साइड। हैव हाँ सो हाउ मच वील गेट, यहाँ पे क्या लगाए बेटा? इनको ऐड किया तो कितना आ गया बेटा? हाँ जी हाँ हाँ वेरी गुड। देन 6.88 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। देन बंदा ओके। हाँ जी फिर वी हैव टू कैरी फ्रॉम 7। व्हाई व्हाई वी हैव टू कैरी फ्रॉम 7 बच्चे? इट वोंट लेफ्ट 8, 8 माइनस 8 विल बी 0। देन व्हाट वी हैव टू डू? 11.08 11.08, राइट। व्हाट विल डू हेयर? 10, 10, 2, so which sign will be there? अब यहाँ पे ये साइन आएगा या ये वाला आएगा, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट साइन, वेरी गुड बच्चे। सो दिस इज द ग्रेटर साइन, दिस इज क्लियर? सो लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन द राइट हैंड साइड बच्चों, इज इट क्लियर? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है प्लीज कैन आस्क द क्वेश्चन, ही और शी कैन आस्क द क्वेश्चंस। नो क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी फिर हम।
क्वेश्चन नंबर सिक्स, फोर फास्ट फूड काउंटर्स कलेक्टेड ₹257.75, ₹205, ₹187.5 एंड ₹162.25 ड्यूरिंग ए समर फिट। व्हाट वाज देयर टोटल कलेक्शन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट कलेक्शन? राइट, प्लीज डू दिस क्वेश्चन बच्चों। ये इसका फीट का मतलब पता है क्या होता है बेटा आपको? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फीट? पता है बच्चे? कैन एनीवन टेल मी? लिखा हुआ है ना समर फेट। हु विल एक्सप्लेन मी दिस? एनीवन हु कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ फेट? नो वन। बच्चे क्या होता है, देखिए स्कूल के अंदर जो समटाइम कार्निवल्स होते हैं ना, जो फेस्टिवल टाइप। हेलो बच्चों, तो वो जो फेट होता है उसको फेट बोलते हैं बेटा। राइट, उसमें जो काउंटर वगैरह लगे होते हैं, स्टॉल्स लगे होते हैं खाने पीने के, म्यूजिक के और बाकी चीजों के, दैट इज डिफरेंट स्टॉल्स आर देयर एंड दैट गेट टूगेदर टाइप ऑफ फंक्शन ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल्स और सम इंस्टीट्यूशन इज नोन एज फेट्स। राइट, तो प्लीज डू द क्वेश्चन नाउ। वी हैव टू फाइंड देयर टोटल कलेक्शन एंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट कलेक्शन। प्रेजेंट प्रॉपर्ली क्या है हर मंथ का एक बार। हाँ जी, हो गया बच्चों? बेटा वेन एवर यू आर डूइंग द वर्ड प्रॉब्लम्स यू प्लीज राइट कंप्लीटली। राइट, पूरा वर्ड प्रॉब्लम को प्रॉपरली एक्सप्लेन करके लिखना होता है। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट दिस। हाँ जी, किस किसने कर लिया? नाउ सिंस दीज क्वेश्चन आर एमसीक्यू, तो आप कर सकते हो, जस्ट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। बट वेन यू आर डूइंग द सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लीज एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। हाँ जी, देर आर फ्यू स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन सी, नो वन फ्रॉम ए एंड बी हैज डन टिल नाउ। सेक्शन बी पीपल प्लीज डू इट फास्ट। ऑप्शन नहीं आगे जी, उसे एक बार दोबारा चेक कर लो, जिन्हों लग रहा है ऑप्शन नहीं आगे। देखिए बेटो, चेक कर लेते हैं बच्चों हम यहाँ पे। कलेक्शन कितनी कितनी है? 257.75, 205, 187.5, 5 एंड राइट बच्चों, तो यू हैव टू एड दीज फोर टर्म्स। अच्छा, सेकेंड पार्ट के लिए देखिए बेटा, दिस इज द हाईएस्ट कलेक्शन, दिस इज द स्मॉलेस्ट, सो यू हैव टू टेक देयर डिफरेंस। यस राइट, सो व्हाट यू हैव टू डू हेयर? कौन स्टूडेंट कह रहा है कि इसमें ऑप्शंस नहीं है? कौन बच्चा था बेटा, प्लीज रेज योर हैंड, जिसको लग रहा था कि ऑप्शंस इनकरेक्ट है कोई ऐसा? आवाज आई थी ना मुझे, कोई कह रहा था कि ऑप्शंस नहीं है इसमें।
चलिए प्लीज डू इट फटाफट से, बाकी सारे लोग भी कीजिए। आपके लिए मैंने इजी बना दिया क्वेश्चन। हाँ जी श्लोक शर्मा आ जाओ बेटा। हो गया बेटा क्वेश्चन, सर यस अब मेरी तरफ देख लो बस, नोटबुक नहीं देखनी है, माइक मेरी तरफ फेस रोटेट कर लो। नो नोटबुक, टोटल करते जाओ जरा, सारा कुछ लिखा हुआ है करो यस जरा टोटल। सर फर्स्ट वी आई 10 टेन टेन कैसे आया? सर 5 + 5 10 1 वेरी गुड, देन कैरी कैरी कर लिया, देन फिफ्टीन सर 15 आ गया, देन सर 1 कैरी वेरी गुड, देन फोर्टीन सर 22 टू, देन टू सर 2 कैरी कैरी कर दिया, देन 21 वेरी गुड, देन ट्वेंटी सर 1 कैरी सर 1 के बाद 1 कैरी करेंगे, 2 कैरी करेंगे। हाँ 2 कैरी जी, देन सर 8 एट। हाँ जी बच्चे, चॉइस है ये वाली? कौन सर यस कह रहा था चॉइस नहीं है जी, मेरे को तो नजर आ सर रहा सर ए ऑप्शन है ए ऑप्शन। अब ये तो हो गया एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे बेटा? जीरो, सर 0 सर 5 फाइव, सर डेसिमल हाँ जी, देन 5 सर 5 5 - 6 कितना आएगा? सर 9 9, देन 0 0। ठीक है जी, तो ये दोनों आ गए बेटा, एंड द ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वेरी सही गुड बेटा, वेरी गुड। श्लोक प्लीज सिट डाउन। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे, राइट? आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस एंड द रेस्ट बाय ऑटो। हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रेवल बाय ऑटो? रीड कीजिए क्वेश्चन बच्चे, ठीक है, और मुझे बताइए सबको समझ आ गया? आ गया? सर करम करमवीर सिंह दयाल, करमवीर सिंह दयाल प्लीज कम। स्टॉप टॉकिंग सेक्शन सी, नो चिट चैट्स। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन समझ आ गया आपको? यस व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन बोलो बेटा, डोंट हैव असाइनमेंट। ट्रेवल्स सर नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर एवरी बस बस डे बस बस, प्लीज स्टॉप 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 स्टॉप। नाउ प्लीज रिप्रेजेंट 20 किलोमीटर 50 मीटर इन डेसिमल फॉर्म। प्लीज रिप्रेजेंट 20 किलोमीटर 50 मीटर इन डेसिमल। 20.50 20.50, 20 किलोमीटर 50 मीटर टू 20.50। प्लीज सिट डाउन बेटा। हाँ जी बच्चे, उसके बाद आ जाइए जरा। सोनाली सिंह, हाँ जी बच्चे, 20 किलोमीटर 50 मीटर इज इज करेक्ट? यस सर यस सर, प्लीज सिट डाउन। हाँ जी, सेक्शन बी से गुरनूर सिंह, सेक्शन बी गुरनूर आ जाओ बेटा।
हाँ जी गुरनूर, टेक द माइक इन योर हैंड। बच्चे माइक हाथ से ले लो, मेरी तरफ देखो। 20 किलोमीटर 50 मीटर, हाउ टू रिप्रेजेंट इट इन टू डेसिमल्स? डेसिमल में कैसे लिखेंगे बेटा? 20.50। प्लीज सिट डाउन। हाँ जी, उसके बाद रमनदीप कौर। हाँ जी रमनदीप, मुझे बताइए बच्चे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? थाउजेंड। वन किलोमीटर इज इक्वल टू, नाउ हाउ टू कन्वर्ट 50 मीटर इंटू किलोमीटर्स? इसमें कन्वर्ट करना आता है बेटा आपको? यस और नो? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। बेटा मैं सेक्शन बी से पूछ रहा हूँ, सी से नहीं पूछ रहा हूँ। सेक्शन बी में गर्ल स्टूडेंट को मैंने बुलाया हुआ है, आई एम टॉकिंग टू हर। हाँ जी बोलिए बेटा। नो, प्लीज सिट डाउन। हु नोज हाउ टू कन्वर्ट मीटर इंटू किलोमीटर्स? एनी वन फ्रॉम सेक्शन सी? बड़ी आवाजें कर रहे थे आप लोग बेटा। जो सबसे लास्ट बेंच पे गर्ल स्टूडेंट है ना, वो आ जाए सेक्शन सी में। यस सर, हाँ जी बच्चे, हाउ टू कन्वर्ट 50 मीटर्स इंटू किलोमीटर? सर द फॉर्मूला टू कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर इज 1 ओवर सर 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर. 1/1000 किलोमीटर। वेरी गुड। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। हाउ टू कन्वर्ट 50 मीटर इंटू किलोमीटर, ये कैसे करेंगे? वेट हाँ जी हो गया। कितना डूइंग एकदम लंबा काम नहीं है बेटा ये। सर वेट. चलिए सेक्शन बी से काफी बच्चों ने हैंड रेज किया, आप आके बताइए बेटा। फ्रंट बेंचर, फ्रंट बेंचर। हाँ सभी हैव टू पुट डेसिमल रिकॉर्डिंग टू द जीरोस जी, सर. डेसिमल्स रिकॉर्डिंगली टू द जीरोस. हाँ तो दैट व्हाट आई आस्क ना, डेसिमल अकॉर्डिंग टू जीरो विल बी व्हाट? तो पॉलिटिशियन वाला आंसर दे दिया बच्चे, वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू दिस। बट वट इज अकॉर्डिंग टू दैट? वी वॉन्ट टू नो दैट। फिफ्टी ओवर थाउजेंड 50/1000। वेरी गुड। सो वट इट बिकम्स? जीरो कन्वर्ट इट इन टू डेसिमल्स, वट इट बिकम्स? पॉइंट जीरो फाइव जीरो 0.050। सो दिस इज द मिस्टेक स्टूडेंट हैव मेड हेयर। दिस 20 किलोमीटर 50 मीटर विल बिकम 20.050। राइट बच्चों, प्लीज सिट डाउन। वेरी गुड स्टूडेंट्स। सर दिस इज रॉन्ग हाँ जी, व्हाट सर दिस इज रॉन्ग इज रॉन्ग बेटा? कौन सर जीरो जीरो है बच्चे ये रॉन्ग वाला बच्चा? प्लीज कम। हाँ जी बेटा, सर 50/1000 जीरो से जीरो कट हो जाएगी कर दिया बेटा। लो जी, अब सर 0.05 है ना 0.05. 0.05 ही लिखा है हमने वहां पे। यहाँ पे पहले किसी और ने बताया था ना, ये 0.05 इट विल बी। राइट, सो वी हैव करेक्टली दिस ना। यू हैव नॉट सीन दिस आई थिंक, हैव यू सीन दिस? राइट, समबडी हैज एक्सप्लेन मी 0.50। So I have corrected here only, not there. Right, बच्चे? So it will be 0.05
20.050, इज दिस क्लियर? राइट बेटा, सो दिस इज द डिस्टेंस शी ट्रेवल एवरी डे, आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल 10 किलोमीटर 200 मीटर्स, नाउ प्लीज टेल मी हाउ टू प्रेजेंट 10 किलोमीटर 200 मीटर इन डेसिमल फॉर्म, हाउ टू प्रेजेंट 10 किलोमीटर 200 मीटर, प्लीज आ जाओ बच्चा, आ जाओ, दोनों जो मैम के साथ खड़े हैं ना बच्चे, दोनों आ जाओ, हैंड रेज किया ना इन्होंने मैम, प्लीज सेंड मैम। हाँ जी बच्चे, व्हाट इट विल बी? फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट बेटा मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट वाज माय क्वेश्चन? यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्या सर 20-0.50 सब्ट्रैक्ट आप लोग ना सुनते हो नहीं ध्यान से बेटा, पहले क्वेश्चन सुनो ध्यान से। व्हाट वाज माय क्वेश्चन? माय क्वेश्चन वाज हाउ टू रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर 200 मीटर इन डेसिमल फॉर्म, दिस इज माय क्वेश्चन, 10.200 10.200। सो दिस वाज माय क्वेश्चन बेटा, बाय ऑटो 10.200, नेवर से 200। व्हेन एवर यू आर राइटिंग और कन्वेइंग सम नंबर आफ्टर द डेसिमल्स, यू हैव टू से 0.200, दिस इज नेवर 200, ओके इज सर क्लियर? व्हेन यू आर राइटिंग 0.050, यू कांट राइट 0.050, नो, यू हैव टू से डिजिट बाय डिजिट। सर चलिए जी, नाउ एंड द रेस्ट बाय ऑटो, हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रेवल बाय ऑटो? हाँ जी, सेकेंड स्टूडेंट, दूसरे को दे दो बेटा माइक, आप जाइए। हाँ जी बेटा, क्या करना है अब इसमें? माइनस 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 करके कैसे आएगा बेटा, बताइए जरा। सर पहले वो हाँ जी बताइए बेटा, सर पहले 5 आ जाएगा कहाँ पे 5 आएगा बेटा? अच्छा सर, वो सर नहीं पहले 0 आएगा जी, फिर सर, फिर 5 आ जाएगा बेटा सर, उसके बाद 0 को कट कर कर 10 आ जाएगा, फिर 0 को कट करके 10 आ गया जी, आगे। ओके सर 8, फिर राइट, सर 0 को कट करके 9, फिर सर 9 आ जाएगा, फिर सर 2 को कट के 1, सर फिर 0। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 9.850। वेरी गुड बेटा, ठीक है जी, ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन ए। सो डिस्टेंस 9.850 किलोमीटर शी हैज ट्रेवल्ड बाय ओ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर अमंग दीज फोर नंबर्स, यू हैव बीन गिवन फोर नंबर्स, 2.3, 2.03, 2.33 एंड 2.05, राइट बच्चों? फोर नंबर आर गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक विच इज द ग्रेटेस्ट वन, विच इज द स्मॉलेस्ट वन। हाँ जी, समरबीर सिंह प्लीज कम बेटा। यस बच्चे, लुक एट द फोर नंबर्स, कैमरे में आ जाओ, पहले तो आप साइड में नहीं खड़े होंगे, मेरे को नजर आने चाहिए आप, सर इधर आ जाओ बेटा, प्लीज कम इन टू द कैमरा, और थोड़ा इधर आ जाओ। हाँ जी, कैन यू सी दिस फोर नंबर्स? यस प्लीज टेल मी विच वन इज द स्मॉलेस्ट वन। सर 2.03 टू पॉइंट जीरो थ्री इज द स्मॉलेस्ट, विच वन इज द ग्रेटेस्ट? विच वन इज द ग्रेटेस्ट? सर 2.33 वेरी गुड बेटा, नाउ व्हाट यू हैव टू टेल, डिफरेंस, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू?
सर डिफरेंस बिटवीन बोथ इज 2.30। 2.30। कैसे आया 2.30? डिफरेंस का मतलब, डिफरेंस का मतलब ये होता है ना बेटा, सब्ट्रैक्शन, सर यस सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है? 2.30 सर 2.30। कैसे आ रहा है? चलो साथ साथ करते हैं। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए कितना होता है? 0 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, 3 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, तू सर 0 नहीं आता? आप तो 2 बोल रहे थे बेटा। 2 माइनस 2 0 होगा ना? आप सर यस फिर 2 क्यों बोल रहे थे? चलो वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए जरा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर? हाँ जी, सेक्शन ए से कौन बताएगा? बोलिए जरा फ्रंट बेंचर्स, माइक रखा है जिनके पास? 99 99। सो व्हाट व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड? सी 102.57 है बेटा। यस, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट वी गेट द आंसर? ये क्वेश्चन बेटा, तो वी हैव टू फाइंड दिस नंबर। हाउ टू डू दिस? यही है ना क्वेश्चन का मीनिंग बेटा। सो हाउ टू फाइंड दिस नंबर, क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? बड़ी सिंपल सी चीज है बेटा, आप इस नंबर में से 99 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये वाला नंबर आ जाएगा। यस और नो? तो करके बताइए जल्दी से जरा। हाँ जी बच्चे, कितना आया? हाँ जी बैक, सेक्शन सी इज देयर, बी एंड ए। ओके, सेक्शन बी कौन बताएगा बेटा? हाँ जी, वो सबसे लास्ट में जो बच्चे का मुझे हैंड नजर आ रहा है वो आ जाए, गर्ल स्टूडेंट है सबसे लास्ट में। हाँ जी बच्चा बताइए जरा। सर 102.57 में से 99 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो हाउ मच इट इज? 3.57। वेरी गुड बच्चा, सो 3.57 विल बी द राइट आंसर। इज दिस क्लियर? चलिए, सेक्शन ए इज आल्सो बैक। हाँ जी सेक्शन ए बच्चों, देखिए हमें क्या करना था, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 99 फ्रॉम 102.57। सो वट इट विल बी लेफ्ट? 3.57, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन 33.785 इज लेस देन 33.373। देखिए बच्चों, 33.785 इज लेस देन 33.373। हाँ जी बच्चों, इज दिस करेक्ट? नो, बाय, बिकॉज दिस नंबर इज ग्रेटर, सो साइन अपोजिट है बेटा, सो दिस इज फॉल्स। तो असर्शन इज, सर कम टू द रीजन।
एनी टू डेसिमल नंबर कैन बी कंपेयर्ड, राइट? द कंपेरिजन कैन स्टार्ट विद होल पार्ट. वेरी राइट. जब भी हम दो नंबर को कंपेयर करते हैं तो होल पार्ट इज दिस, और यहाँ पे भी होल पार्ट दिस. तो सबसे पहले होल पार्ट को कंपेयर करते हैं. इन दिस केस बोथ द होल पार्ट्स आर इक्वल. इज दिस क्लियर? इफ द होल पार्ट्स आर इक्वल तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई. देन द टेंथ पार्ट कैन बी कंपेयर्ड. टेंथ पार्ट कौन सा है बच्चे? सेवन और थ्री. अब दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? सेवन. तो सेवन ग्रेटर है तो दिस नंबर विल बी ग्रेटर, राइट? एंड सो ऑन. सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो जो आपका रीजन है वो ट्रू है बेटा, ठीक है? असर्शन फॉल्स है. तो विच चॉइस? तो विच ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन होती है बेटा ये? ऑप्शन डी, राइट? असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन 2 किलोग्राम 9 ग्राम कैन बी रिटन एज 2.009. इज दिस ट्रू? इज इट ट्रू और नॉट बेटा? हेलो, स्टॉप टॉकिंग बच्चे. सेक्शन बी, फ्रंट बेंचर्स. बेटा 2 किलोग्राम 9 ग्राम्स. हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 किलोग्राम? 1000 ग्राम. सो 9 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? 1000 पे डिवाइड करेंगे. सो इट विल कम्स आउट टू बी, ठीक है बेटा? तो दिस इज ट्रू. आगे गिवन है, रीजन इज 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम. इज दिस करेक्ट? तो बोथ आर करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. यस. तो ये आ जाएगी ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. असर्शन 1.56 मीटर इज सेम एज 15 मीटर 6 सेंटीमीटर. इज दिस ट्रू? फॉल्स है बच्चे. सो 1.56 मीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर 56 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? सो रीजन क्या गिवन है इन्होंने? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर. रीजन इज ट्रू और नॉट? रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स. तो कौन सी चॉइस आएगी बेटा? नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन. असर्शन डेसिमल्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय राइटिंग देम विद इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. ट्रू है ना बेटा? हमने देखिए अभी डेसिमल्स ऐड किए थे, तो हमने जो जो भी प्लेस वैल्यू थी उसके नीचे वही डिजिट रखी थी. तो दिस इज ट्रू. रीजन 23.05 एंड 16.837 कांट बी एडेड एज दे हैव डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस. फॉल्स है. तो ऑप्शन कौन सी आएगी? डी. डी ऑप्शन. देखिए बच्चे, यहाँ पे जो है आपका अच्छा असर्शन जो है वो करेक्ट है और रीजन फॉल्स है. तो कौन सी ऑप्शन आएगी? सी. सी आ रही है बेटा? राइट. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ असर्शन रीजन. केस स्टडी क्वेश्चन विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. सो नाउ मैम विल बी टेकिंग योर साइंस क्लास. सो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स.
यार इधर को कर दो बताइए। क्लास Yes, good morning, students. Good morning. Am I audible? Okay. You all are clearly audible to me also. And you, I can see you are full of energy. That's really good to see. Okay. So now, क्या करना है सबसे पहले? आपको जगाना है ना? उठाना है सबको. सब स्टार्ट हो गए हैं पहले, है ना? You know that what I am going to do. So let's quickly rub your hands. Yes, that's really good. Do it. Yes. Now put your hands on your eyes. Okay, that's really good. अब हम फटाफट अपने ब्रेन को ऑक्सीजन देते हैं, है ना? आर ब्रेन नीड ऑक्सीजन. सो नाउ क्विकली इनहेल एंड एक्सहेल. सो ऑन माय कॉल. सो नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लास्टली ब्रीद इन, ब्रीद आउट. हाँ, बहुत ऑक्सीजन आ गई, ज्यादा ही पढ़ लेंगे आज, है ना? सो लास्ट टाइम आपने बेटा कहाँ पर जो चैप्टर था आपका लाइट वाला कहाँ तक किया था? हु विल टेल मी? आई नो कहाँ तक हुआ था, लेकिन आई वॉन्ट टू नो कि आपको कितना याद है कि लास्ट कहां तक पढ़ा था. यस बेटा, कोई एक क्लास में से खड़ा हो जाए एंड डू टेल मी. कोई कोई भी एक, एनीवन. यस यस, हैंड रेस करो बेटा. कौन बताएगा? यस, सिक्स सी से. यस बेटा, फर्स्ट बेंच. MOTT शैडो लाइट That's good. That's good. So you remember that. That's really good to know that. So everyone, shadow. क्या होती है shadow? What do you mean by shadow? पोर्शन वेयर इंसिडेंट वे ऑफ लाइट डज नॉट डू यू सबने अच्छी तरह याद कर लिया. That's really good. सबने क्रैम कर लिया, रट्टा लगा लिया अच्छी तरह, है ना? मैंने तो सिंपल पूछा, शैडो क्या होती है? मुझे तो डेफिनेशन सुना दी सबने. मुझे सिंपल बताओ, शैडो क्या होती है? मुझे नहीं पता, मुझे डेफिनेशन नहीं आती. टेल मी, आप कैसे समझाओगे? अब आप सब टीचर हो और मैं जो है स्टूडेंट हूँ. नाउ टेल मी, एक्सप्लेन मी, व्हाट इज शैडो? कौन समझाएगा? कौन टीचर अच्छा है यहाँ पर? चलो खड़े हो जाओ, जो टीचर है अच्छा अपने आप खड़े हो जाओ, माइक के पास आ जाओ, कोई भी क्लास का.
ओके सिक्स बी का पेज। ओके सिक्स सी से आ रहे हैं टीचर एक। चलो उसी माइक में मिलेगा। यस बताओ बेटा क्या होती है शेडो। अ डार्क पैच ऑब्टेंड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट। ओके ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक द लाइट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है। सर द मैम द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। डू नॉट अलाउ, परमिशन मांगती है लाइट। नहीं यू आर राइट, यू आर राइट, मगर मैं स्टूडेंट हूं, मैं तो कुछ भी पूछ सकती हूँ ना। आई कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम माई टीचर, जो मुझे नहीं समझ आएगा है ना। सो आई कैन आस्क कि लाइट जो है परमिशन मांग रही है कि लाओ करो मुझे या नहीं करो। यस सो आई एम रियली गुड टू नो दैट यू ऑल रिमेंबर दिस थिंग, दैट्स रियली गुड टू नो दैट। ठीक है दैट्स वंडरफुल, बट हियर इज द क्वेश्चन। इफ आई आस्क यू व्हाट इज शेडो, पहले तो हम आते हैं शेडो क्या होती है। अच्छा डार्क ओके दैट्स रियली गुड टू नो दैट कि आप सबको याद है। अब पहले ओपेक पे आ जाते हैं ना, या शेडो पे आ जाते हैं। ये देखो किस किस को पता है कौन है, जानते हो आयरन मैन, सबको याद है ना, सबको पता है कि आयरन मैन कहते हैं इसको। क्या इसकी शेडो बन सकती है, कैसे बनेगी। मेरी लाइट सोर्स इधर है। ओके सो लेट मी मूव टू दिस साइड। ओके सो हेयर इज माई लाइट सोर्स एंड हेयर इज माई आयरन मैन। कैन यू सी द शेडो हेयर, इज इट क्लियरली विजिबल नाउ। जो आपने डार्क पैच कहा था, कैन यू सी दैट डार्क पैच हेयर। कैन आई इंक्रीज द साइज ऑफ दिस डार्क पैच, हाउ, व्हाट शुड आई डू। ओके एक बच्चा खड़ा होके बताए, ऐसे तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। कोई एक बच्चा हैंड सिक्स बी से बताओ। चलो सिक्स बी की टर्न नहीं आई थी अभी तक। यस आ जाओ बेटा, जिसका हैंड रेज है आ जाओ आगे। कम फॉरवर्ड एंड डू टेल मी, हेल्प मी आउट, आई वॉन्ट टू इंक्रीज द साइज ऑफ दिस शेडो। सो शैल आई मूव इट फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड लाइक दिस। सो कैन यू सी द साइज इज इंक्रीजिंग। यस कैन यू सी द साइज इज इंक्रीजिंग एंड व्हेन इट इज कमिंग क्लोज टू द सोर्स इट इज सॉरी स्क्रीन इट इज डिक्रीजिंग, और गोइंग फार फ्रॉम द लाइट सोर्स इट इज डिक्रीजिंग, बट गोइंग टूवर्ड द लाइट सोर्स इट इज इंक्रीजिंग। सो इट इज क्लियरली विजिबल। ओके थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। सो यू ऑल सेड दैट लाइट, यू नो द शेडो इज फॉर्म बाय ओपेक ऑब्जेक्ट। सो कैन यू सी दिस, व्हाट इज दिस, कैन यू सी द लाइट थ्रू दिस इजली। दैट्स रियली गुड, सबकी आई साइट अच्छी है ना। थ्रू दिस ओके यू कैन सी थ्रू दिस ऑल्सो। नाउ मूविंग टू दिस, कैन यू सी थ्रू दिस। ओके सो व्हाट डू वी कॉल दिस, टू लाइट इजली पास थ्रू दिस। Now here in this case, light is passing, but partially. Now here, light is still on. Can you see it is coming to another side? So what it is? Opaque. So when we see shadow, when we are seeing this shadow of this object, why we are able to see the shadow of this object? That is our, what do we call it?
जो आपने बोला आयरन मैन, सो वी कैन सी द शेडो ऑफ दिस आयरन मैन हियर बिकॉज इट्स अ ओपेक ऑब्जेक्ट, इसने लाइट को रोक दिया। अब जितनी लाइट इसने रोकी, ठीक है, जितनी एक्सटेंट तक इसने लाइट रोकी, सो दैट कम्स एज और फॉर्म एज शेडो हियर ऑन द स्क्रीन। यू कैन सी, अभी भी दिख रही है सबको शेडो? यू कैन सी द शेडो हियर, दैट्स रियली गुड। अब जो शेडो है, कैन वी चेंज द शेडो साइज और पोजीशन ऑल्सो? मैं हाउ? बट ये हाउ कैन वी चेंज इट? मूविंग व्हाट? बाय चेंजिंग पोजीशन बाय चेंजिंग पोजीशन ऑफ होम? फोर्स ऑफ लाइट, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। अब मुझे बताओ, हम दिन के टाइम, ठीक है, अगर हियर वेयर इज द पेन, जस्ट गिव मी मिनट बेटा। यस, आई विल शो यू दैट ऑल्सो विद एक्टिविटी। सपोज दिस इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग हियर, ठीक है, ये यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर देते हैं थोड़ा सा, सूरज, सन इज हियर इन अर्ली मॉर्निंग। बेटा नोट डाउन करना है साथ में, बिकॉज इट मे कम इन योर एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। नाउ सन इज हियर, नाउ इट्स अ मिड नोट। नाउ सन इज हियर, इट्स एन इवनिंग टाइम और अर्ली इवनिंग यू कैन से, इट्स इवनिंग। ओके, नाउ सेम पर्सन स्टैंडिंग एट सेम पोजीशन पे खड़ा है, ये कहीं नहीं जा रहा, पूरे दिन यही खड़ा है, इसको पनिशमेंट दी गई है, इसने कोई गलत काम किया है, ठीक है, या काम नहीं किया, ठीक है। अब अर्ली मॉर्निंग पे इसकी शेडो किस साइड बनेगी, अब आपने मुझे बताना है कहाँ बनेगी इसकी शेडो, किस साइड? राइट साइड, राइट राइट साइड, ओके, दिस साइड। राइट तो यस, इसकी शेडो बनेगी इधर। अब क्योंकि सन की रेज फॉलिंग इन दिस वे, इस तरह से सन की रेज इस पे पूरी बॉडी पे गिर रही है, बट इट इज इंक्लाइंड, और वी कैन से ऑब्लिक, सीधी नहीं है, कैसे है, ऐसे है, तिरछी है, सो इट्स शेडो विल बी बिग, बड़ी शेडो बनेगी, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, मिड नून, सन की लाइट स्टिल फॉलिंग ऑन दिस पर्सन, लेकिन अब सर के ऊपर है, पूरी बॉडी पे नहीं आ रही, पूरी बॉडी ब्लॉक नहीं करी एकदम, अगर मेरे सर के ऊपर कोई चीज है, लाइट है, तो मेरे सर को मोस्टली ब्लॉक करेगी, मेरा सर ब्लॉक करेगा। अब जो उसकी शेडो कहाँ बनेगी, एकदम पैरों के पास, और छोटी सी, स्मॉल शेडो, ठीक है, छोटी सी बनेगी। अब आ जाते हैं इवनिंग टाइम, अगेन इवनिंग टाइम में यू कैन सी कि जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जो सन है, अगेन दे आर ऑन विच पोजीशन, की ऑब्लिक पोजीशन पे है। अब इसकी शेडो कहाँ बनेगी, लेफ्ट लेफ्ट साइड, और अभी भी छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, बड़ी बनेगी। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर हम सोर्स ऑफ लाइट की पोजीशनिंग चेंज कर दे, सो वी कैन गेट डिफरेंट शेडो, है ना, एट डिफरेंट पोजीशन और डिफरेंट साइज ऑल्सो, ठीक है। अगर हम जो है शेडो की शेप और साइज चेंज करना चाहते हैं, वी कैन डू बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स, ठीक है। सो हम लाइट सोर्स की पोजीशन चेंज करके भी ये कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये स्क्रीन है और ये मैं ऑब्जेक्ट रख दूं, ओके, सो ये आपका जो आयरन मैन जो भी था, ठीक है, उसको मैं रख दूं इस पे, लेट मी फिक्स इट फर्स्ट, ओके, आई एम ट्राइंग टू फिक्स हिम हियर, ऐसे मैंने इसको रख दिया, ओके, ये तो गिरी गया, रुक जाओ, लेट मी डू इट। अब अगर ये हमारा सन है,
तो अगर ये एकदम ऊपर होगा तो इसकी शेडो बेटा एकदम स्मॉल बनेगी, इसके पैरों पे बनेगी। अगर मैं इसको ऐसे इंक्लाइन कर दूं ऑब्लिक, तो उसकी जो शेडो है दैट विल बी बिग, बोथ साइड, यहां से भी और फ्रॉम हियर, बोथ साइड इट्स बिग। तो दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू कि जो हमने ये पर्सन यहाँ खड़ा किया था इट वॉज हियर, ठीक है? तो उसकी शेडो जो है पैरों पे बनी, जब ऊपर से लाइट आई आई ट्राई कि अगर यहीं पर बन जाए, ओके, यहाँ पर थी तो उसके एकदम पैरों पे बनी, यहां से किया तो इसके जो इस साइड, अगर इधर से लाइट सोर्स आई तो वो इस साइड को। सो दैट इज व्हाट वी मेंट बाय कि शेडो का हम साइज और पोजीशन वी कैन चेंज बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द लाइट सोर्स। इज इट क्लियर? सो बेटा ये आप खेल भी सकते हो, यू कैन प्ले विद दिस ट्रिक ऑल्सो, शेडो का शेप और साइज चेंज कर सकते हो। ओके, सो यू कैन डू दैट। अब मुझे बताओ कि जो शेडो है उसकी एप्लीकेशन क्या रियल वर्ल्ड में कहीं है, या उसका इफेक्ट है कहीं रियल वर्ल्ड में? यस नो? कोई नहीं है? यस और नो? क्या है ये? अर्थ है। दैट्स रियली गुड, सबको पता है अर्थ है ना। अब ये जो मेरे हाथ में है इट्स अ मून, एक्चुअली इट्स नॉट अ मून बट यू हैव टू एज्यूम इट्स अ मून। सो अब सबने ध्यान से देखना है व्हाट आई एम शोइंग राइट नाउ, ठीक है? सबने ध्यान से देखना है इस चीज को। सो ये हमारा मून है, ठीक है? दिस इज अ मून, और यहां से मैं सन की रोशनी कर रही हूं। दिस इज अ मून और ये मेरे पास सन की रोशनी है। लेट मी मुझे लाइट बंद करने दो बेटा ताकि आपको एक्टिविटी सही से दिखा दूं। आई होप इट इज नाउ प्रीटी क्लियर। अभी थोड़ा क्लियर है? कैन यू सी इट क्लियरली? अभी आप सिर्फ एक काम करती हूँ, आई जूम इट आउट मोर सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो दिस इज अ मून। मून क्या करता है? अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, यस और नो? अब जब अमावस्या, किस किस को पता है क्या होती है अमावस्या? जिस दिन मून नहीं होता या मून पे लाइट नहीं होती, या मून पे जो लाइट है वो हमें नहीं दिख रही, डिफरेंट थिंग, दीज आर द डिफरेंट थिंग। मून तो हमेशा वही होगा। वेयर वेयर मून विल गो? वेकेशन पे जाएगा, छुट्टियों पे? हाँ छुट्टी पे जाएगा कि आज मेरी छुट्टी है आज तो मैं ऑफ ले रहा हूँ, बहुत रोशनी दे दी सबको मैंने, है ना? व्हाट डू यू थिंक, छुट्टी लेगा वो? मून तो वहीं पर है जहां पर होता है। अब अगर हमें दिख नहीं रहा, अब हमें दिख क्यों नहीं रहा ये हमने फिगर आउट करना है, जिसको हम अमावस्या कहते हैं, ठीक है? ये रहा मून, ये रहा सन, ये सन है, सन की लाइट पड़ती है मून पे। अब देखो सन की लाइट मून पे पड़ रही है, लेकिन क्या जो अर्थ पे है लोग उनको दिखाई देगी? जरा ध्यान से देखो बेटा, लाइट किस साइड है? बैक साइड में, और अर्थ किधर है? इधर है, अर्थ इधर है, और मून पे लाइट किस साइड पड़ रही है? यहाँ, जो यहाँ पर है बैक साइड पे, जहां पर अर्थ को दिखना चाहिए मून, वहां पर अर्थ पे जो हम लोग हैं, हम लोगों को वो लाइट नहीं दिख रही। कैन यू सी दैट? ये जो मून है राउंड होता है ना, गोला होता है, उसकी एक साइड लाइट पड़ रही है, लेकिन जिस साइड पड़ रही है वो अर्थ को बैक करके बैठा है। तो जो बैक वाली साइड हमें नहीं दिख रही, जो फ्रंट वाली साइड है उस पर लाइट नहीं पड़ रही, तो इस वजह से हमें मून नहीं दिख रहा। इज इट क्लियर? क्लियर और नॉट? से यस और नो बेटा, सो दैट आई कैन टेल यू अगेन। टेल मी, इज इट क्लियर? बेटा आवाज ही चलेगी आपकी। मैम सो अब ये वाली जो साइड है
क्योंकि ये लाइटेड है और जो ये वाली साइड थी इस पे लाइट नहीं पड़ रही, तो इस वजह से हम इस टाइप जो मून है, क्या बनाया हमने मून को, यहाँ पर बनाया, ऑरेंज कलर का मैंने अभी मून बनाया यहाँ पर, और यहाँ वाली जो साइड थी उस पे लाइट पड़ रही थी, सन की लाइट यहाँ पर इस पे पड़ रही थी, मगर ये वाली जो साइड थी ये डार्क है, इस पे लाइट नहीं पड़ रही, एंड वी आर हियर ऑन अर्थ सो वी आर नॉट एबल टू सी मून दैट टाइम. सो दिस टाइप ऑफ मून और दिस फेज ऑफ मून इज कॉल्ड न्यू मून. राइट डाउन, इट इज कॉल्ड न्यू मून. न्यू मून मून है लेकिन हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि मून के जो इस साइड है, सिर्फ इस साइड जो है लाइट पड़ रही है. यू कैन सी अगेन हेयर, सिर्फ इस साइड लाइट पड़ रही है, जो इस साइड है हेयर ऑन दिस साइड. ओके, यहाँ पर देखो ये लाइट पड़ रही है, चमकने वाला पार्ट सिर्फ ये है, ठीक है, जबकि ये वाला जो पार्ट है इस पे लाइट नहीं पड़ रही, सूरज की जो रोशनी है सिर्फ इस पे पड़ रही है, इस साइड पे जो चमक रहा है. Here this side is not getting light, so that's why we are not able to see moon. क्योंकि moon की खुद की कोई light नहीं है, ठीक है, so that's why we called it अमावस्या और new moon. अब same चीज full moon पे हमें क्यों दिख जाता है, so let's find out that also, क्योंकि हमें वो भी पता करना है. अब full moon पे क्या होता है, जो ये मून यहां से चला है न्यू मून से, जब उसके पास रोशनी नहीं थी या फिर जो अर्थ पे नहीं दिख रही थी, जब वो चला यहां से घूमता हुआ, जब वो अर्थ के इधर आ गया और सन के एकदम सामने आ गया, नाउ इट इज हेयर इन द फ्रंट ऑफ सन, सन के देखो एकदम सामने आ गया ये, यू सी अगेन इट्स इन द फ्रंट ऑफ द सन. अब ये सन के जो फ्रंट पे आ गया है तो उसकी वजह से अब लाइट जो पड़ रही है वो अर्थ को फेस कर रहा है. कैन यू सी नाउ दिस पार्ट इज फेसिंग, जो जिस पे लाइट पड़ रही है अर्थ मून पे सन की, वो पार्ट हमें पूरा दिख रहा है अर्थ से, बिकॉज अब मून का ये वाला पार्ट जिस पे लाइट पड़ रही है वो अर्थ को दिख रहा है. सो नाउ वी कॉल इट फुल मून. इस टाइम पे क्या हो जाता है, हमें मून पूरा दिखता है, हेयर नाउ मून इज टोटली विजिबल टू अस, सो वी कॉल इट फुल मून. इट्स अ फुल मून, जबकि इसकी दूसरी साइड जो अर्थ को नहीं दिख रहा वहां पर लाइट नहीं है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई हमें कभी फुल मून नजर आता है, कभी हमें न्यू मून नजर आता है. तो क्लियर हुआ न्यू मून और फुल मून का कॉन्सेप्ट, यस और नो? क्लियर है, ओके दैट्स गुड. अब मैंने ये चीज क्यों बताई आपको, हम तो शेडो पढ़ रहे थे. इट इज रिलेटेड टू द टर्म एक्लिप्स. अब एक्लिप्स क्या होता है, हु कैन टेल मी? मैंने तो आपसे ना ल्यूनर एक्लिप्स पूछा, ना मैंने आपसे सोलर एक्लिप्स पूछा. आई जस्ट आस्क यू व्हाट इज एक्लिप्स. अगेन यू सेड द सेम थिंग. मैंने पूछा एक्लिप्स क्या होता है, नॉट ल्यूनर और सोलर एक्लिप्स. एक्लिप्स क्या होता है? When the shadow of the earth or moon fall on the others. अगेन बेटा सेम चीज होगी. आई आस्क यू ल्यूनर एक्लिप्स एंड सोलर, सॉरी आई आस्क यू एक्लिप्स ओनली, नॉट सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स. सिर्फ एक्लिप्स पूछा, इंग्लिश का वर्ड पूछा मैंने तो. एक्लिप्स क्या होता है? अच्छा अभी आपको बोर्ड दिख रहा है, कैन यू सी द बोर्ड? अब आपको बोर्ड में अर्थ दिख रहा है, कैन यू सी द अर्थ? किसको दिख रहा है, मुझे तो दिख नहीं रहा क्योंकि मेरा फेस अर्थ के ऊपर आ गया है. किसको दिख गया अर्थ, किसको अर्थ पूरा दिख रहा है? रेज योर हैंड, आई वॉन्ट टू सी किसकी आंखें बहुत तेज है. रेज योर आईज, राइज नहीं सॉरी हैंड. आई वॉन्ट टू सी किसको अर्थ मेरे पीछे जो बना हुआ है पूरा दिख रहा है. अब किसी को नहीं दिख रहा ना, पहले सबको दिख रहा था ना. ये मैंने क्या किया, आई एक्लिप्स्ड अर्थ, आई एक्लिप्स्ड अर्थ. एक्लिप्स मतलब होता है किसी चीज का व्यू कम कर देना, ठीक है. अब यहां पर मैंने अर्थ को एक्लिप्स कर दिया, सो इट्स अर्थ एक्लिप्स.
अर्थ का व्यू कम हो गया, तो दैट इज अर्थ इक्लिप्स। ठीक है, अगर मैं आपकी क्लास में जो विंडो है, ठीक है, मैं कहूंगी विंडो को आप देख रहे हो, पूरा सब कुछ दिख रहा है, लेकिन कोई एक बच्चा आके या दो बच्चे आके वहां पर खड़े हो जाते हैं, और अब बाकी क्लास के बच्चों को विंडो का पूरा व्यू नहीं दिखता, तो आप क्या कहोगे? विंडोज व्यू एक्लिप्स्ड, उसका जो व्यू है वो कम हो गया, घट गया। सो दैट इज एक्लिप्स। जब हम सोलर एक्लिप्स कह रहे हैं, मतलब सोलर जो है, सोलर मीन्स सन, उसको एक्लिप्स लग गया है, मतलब उसका व्यू कम हो गया, जो हम जितना देख सकते थे उतना नहीं दिख रहा। अगर हम कह रहे हैं ल्यूनर एक्लिप्स, ल्यूनर मीन्स मून, मून एक्लिप्स, मून जितना दिखना चाहिए वो हमें नहीं दिख रहा। ठीक है, दैट इज व्हाट वी मेंट बाय एक्लिप्स। अब ये एक्लिप्स होता क्यों है, प्लीज नोट डाउन वेरी केयरफुली, ओके? सबने बहुत ध्यान से इसको लिखना है बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट करो ल्यूनर एक्लिप्स। पहले हम स्टार्ट करते हैं ल्यूनर एक्लिप्स से। चांद को ग्रहण लगना, मतलब चांद, मून का व्यू हमें और हमारे तक पूरा नहीं पहुंच रहा, ल्यूनर एक्लिप्स हो गया। किस कारण होगा हमने वो बाद में जानना है, पहले ये जानना है कब होगा ल्यूनर एक्लिप्स, कब होगा? कभी भी नहीं हो सकता, ऐसे नहीं कि जब मन किया तब ल्यूनर एक्लिप्स हो रहा है। ल्यूनर एक्लिप्स ऑलवेज हैपन व्हेन मून इज इन फुल मून फेस। कोई चीज अगर हम कह रहे हैं कम हुई है, अगर मैं कहती हूँ मेरे पास ये मून है या कुछ भी सर्कल है, ये कम हुआ है, कम कब होगा? जब ये पूरा होगा, इसी में से थोड़ा सा चीज कम होगी ना। आपके मार्क्स 100 मार्क्स के आपके जो है पेपर है, उसमें से अगर आपके 90 आए हैं, ठीक है, तो आपका जो पूरा था 100 होंगे तभी तो 90 आएंगे। 90 में से 90 थोड़े ना आ रहे हैं, 100 में से 90 आ रहे हैं। आपका मून 100 है, जब वो 100 होगा तभी उसका कुछ घटेगा, और वो 100 कब होगा? जब वो फुल मून होगा। ठीक है, अभी हमारे पास ये मून है, ठीक है, ये मून है। अब पहली बात, ये फुल मून है, और फुल मून पे इसकी पोजीशन क्या होती है, कौन बताएगा? अभी हमने पढ़ा है ये अर्थ के किस साइड होगा, सन और अर्थ के बीच में होगा या नहीं? टेल मी, आप मुझे बताओ, मैं अर्थ जो है, ये अर्थ है, अर्थ को मैं फर्स्ट पोजीशन पे रखूं या सेकंड पोजीशन में? वेयर शैल आई प्लेस अर्थ, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट पोजीशन पे, यस, अर्थ शुड बी हियर इन पोजीशन। अर्थ शुड बी हेयर इन द पोजिशन टू, हेयर इज द अर्थ। अब सन कहाँ होगा? हेयर, हेयर इज आर सन। अब इसको फिर से हम एक बार एक्टिविटी के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है? ये हमारे पास है, सपोज कर लो दिस इज अर्थ, दिस इज बिग पार्ट इज अर्थ, एंड दिस इज मून, ठीक है? ये अर्थ है और ये मून है। अब क्या हो रहा है कि जो अर्थ है बिग है, ठीक है, ये हमारे पास मून है, ठीक है, और ये हमारे पास अर्थ है। फुल मून पे हम क्या अज्यूम करते हैं? हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा सन है वो पूरी की पूरी लाइट जो है हमारे मून पे ऐसे डाले, यस और नो? से यस और नो, हम इज्यूम करते हैं कि ऐसे जो है पूरी की पूरी लाइट जो है हमारे मून पे आए, ऐसे ब्राइट कलर का हो जाए। अब क्या होता है, अर्थ जो है, अर्थ कम्स इन बिटवीन, सो लेट मी शो यू। आप
जस्ट अ मिनट बेटा, दिखा रही हूँ दिखा रही हूँ। V5, V5, थोड़ा Yes, now can you see this? This is moon. What is this? It's yes, it's a moon. No, it's a moon. Here you can see what we suppose this is a sun. ठीक है, ये sun है. बेटा अब नाउ इट इज प्रिटी मोर क्लियर कि ये जो ब्राइट पार्ट है, ये जो है ये अर्थ को दिखना चाहिए, तब हमारा फुल मून होता है. इज इट क्लियर? Yes. आई होप इट इज मोर क्लियर. अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि आधा मून चमक रहा है, दूसरा नहीं पार्ट चमक रहा. तो फुल मून पे हमें कौन सा पार्ट दिख रहा है? हमें जो है जो ब्राइट पार्ट है, हियर दिस ब्राइट पार्ट यू कैन सी इजली. और जो दूसरा पार्ट जो नहीं चमक रहा, दैट ये देखो चमकने वाला दिख रहा है आपको क्लियरली. दिस पार्ट दिस इज फुल मून, और जो इसके बैक साइड में दैट इज द पार्ट दैट वी कांट सी फ्रॉम द अर्थ, जिसका हमें कोई अभी लेना देना नहीं है. दिस इज फुल मून. अब यहां पर जब अर्थ बीच में अगर आ जाएगा सेम पोजिशन पे, तो हेयर यू कैन सी अब लाइट कहां पर गई? मून पे आई है. यस और नो? तो अब इसमें क्या हो गया, क्या कहेंगे, व्हाट डू वी कॉल इट? ल्यूनर एक्लिप्स. अब देखो ल्यूनर एक्लिप्स कई बार आपने सुना होगा, टोटल ल्यूनर एक्लिप्स, पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स. तो वो क्या होता है? अब देखो अगर अर्थ ने थोड़ी सी लाइट ब्लॉक की है, ये देखो थोड़ी सी की है, पूरी नहीं की है, तो इट्स पार्शियल. और अगर पूरी कर दी है, ये देखो पूरी कर ली, तो इट्स ए टोटल एक्लिप्स, टोटल ल्यूनर एक्लिप्स. इज इट क्लियर? ये हो गया ल्यूनर का. ठीक है, अगर इसमें जो अभी हमने सोलर का पढ़ा था, सोलर में आ जाते हैं. ठीक है, अब यहां पर ये जो बैक साइड थी बेटा, ये है मून. ठीक है, ये मून है, इसके इस साइड पे जिस साइड पे लाइट आ रही है, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइट और एरिया वेयर लाइट इज फॉलिंग ऑन द मून. ठीक है, ये वाला पार्ट जो है जिस पे लाइट आ रही है, जो कि सन के सामने है अभी, ये वाला पार्ट अर्थ को नहीं दिख रहा न्यू मून पे. आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू मून. अर्थ ये रहा, कैन यू सी द अर्थ? व्हाइट व्हाइट पार्ट इज अर्थ, कैन यू सी दिस अर्थ? अब न्यू मून पे अर्थ जो है यहां पर है, ठीक है, इट इज हियर एंड नाउ बिकॉज अर्थ इज ऑन दिस साइड, तो अर्थ को न्यू मून पे मून नहीं दिख रहा, क्योंकि ब्राइट पार्ट कहाँ है? सन के सामने वाला. हेयर यू कैन सी, इज इट क्लियर? अब सोलर इक्लिप्स कैसे लगेगा? अब सोलर इक्लिप्स इस वजह से लगेगा कि जो सन की लाइट है जो पड़नी चाहिए थी अर्थ पे ड्यूरिंग न्यू मून, सिर्फ न्यू मून पे सोलर इक्लिप्स होता है बेटा. अच्छा अब ये देखो सोलर जो है लाइट जो अर्थ पे पड़नी चाहिए, वो जो है मून क्योंकि सामने आ जाता है न्यू मून वाला दिन के टाइम. टॉकिंग अबाउट डे टाइम, सोलर एक्लिप्स डे में ही लगेगा, रात को नहीं लगेगा. सो नाउ हियर आई एम शोइंग यू, कैन यू सी द शेडो हियर ऑन द अर्थ? तो दिस पार्ट ऑफ द सनलाइट हैज बीन ब्लॉक्ड बाय मून, जो अर्थ के इस पार्ट पे, क्योंकि सारे पूरे कंट्रीज में एक साथ सोलर एक्लिप्स नहीं लग सकता, क्योंकि कुछ जगह रात होती है, कुछ जगह दिन होता है. ठीक है, और मून एज कंपेयर टू अर्थ इज स्मॉल इन साइज. तो कुछ जगह अगर आपने कभी सुना होगा टीवी में, न्यूज में, तो याद है कि आज जो है इस कंट्री में, इन कंट्रीज में जो है सोलर एक्लिप्स आप देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो. ठीक है, सो दैट इज वाई, बिकॉज अर्थ इज बिग एज कंपेयर टू मून. सो यहाँ पर जहां जहां ये शेडो बनाता जाएगा, जहां जहां ये जो है बीच में आता जाएगा,
देयर वी कैन एक्सपीरियंस सोलर एक्लिप्स. इज इट क्लियर, यस और नो? तो दिस इज सोलर एक्लिप्स. जब मून बीच में आ गया, ओके. और ये वाला पार्ट आई होप नाउ इट इज वेरी मच क्लियर टू यू कि अर्थ जो मून है उसका एक पार्ट हमेशा, एक पार्ट ब्राइट होता है, एक डार्क होता है, ठीक है. और जो ब्राइट पार्ट अगर हमें दिख रहा है तो दैट इज फुल मून. अगर हमें डार्क पार्ट जो है वो अगर दिख रहा है तो दैट इज न्यू मून. इज इट क्लियर, यस और नो? बेटा साथ साथ बोल दिया करो, क्योंकि इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन, वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट एंड मेक इट क्लियर टू यू, ठीक है. आगे चलने का कोई फिर फायदा नहीं अगर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है. सो नाउ अब इसको हम थोरेटिकल कर लेते हैं, है ना. हमने एक्सपेरिमेंटली वी हैव सीन इट हाउ इट वर्क, ओके. सो नाउ लेट्स मूव अहेड, ठीक है. अब इसको हम थोड़ा सा बोर्ड में कर लेते हैं क्योंकि इट मे कम इन योर एग्जाम. अब सब नोटबुक निकाल लो. अब जो भी हमने अभी समझा उसको हम जरा लिख भी लें, ठीक है. क्योंकि आपके जो है एग्जाम में 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू दिस. तो फर्स्टली ल्यूनर एक्लिप्स. तो ल्यूनर एक्लिप्स का अभी हमने यही पूरा किया, ओके. अब जो सन की लाइट है जो कि हम सपोज करते हैं मून पे पड़े, फुल मून पे, लेकिन जब अर्थ सेम लाइन पे जब आता है तब क्या होता है, जो अर्थ पे जो मून पे लाइट पड़नी चाहिए वो उसके ऊपर से निकल गई, ये वाली जो है इसके साइड से निकल गई. तो उस वजह से क्या होता है, ल्यूनर एक्लिप्स वी फील और वी ऑब्जर्व, ठीक है. सो इन ल्यूनर एक्लिप्स ऑब्स्टिकल इज व्हाट, अर्थ इज अ, अर्थ इज एन ऑब्स्टिकल इन केस ऑफ ल्यूनर एक्लिप्स. नोट डाउन बेटा, फर्स्ट पॉइंट इज दिस, सेकेंड इज इट ऑलवेज, इट ऑलवेज हैपन इन फुल मून डे और फुल मून फेस. फुल मून पे क्यों होता है, क्योंकि इसी टाइम जो है अर्थ हमेशा बीच में आता है, लेकिन ये हर बार नहीं होता. यू मस्ट बी थिंकिंग ये हर बार क्यों नहीं होता, हर बार तो फिर फुल मून आता है हर महीने, तो हर महीने हमें जो है ल्यूनर एक्लिप्स क्यों नहीं फील होता. वो बेटा आप आगे क्लास में पढ़ोगे, क्योंकि मून जब इसके चारों तरफ घूमता है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो कई बार ऐसा नहीं होता कि अर्थ के एक ही लाइन में घूम रहा है, वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे भी घूमता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, तो हमें हर बार ल्यूनर एक्लिप्स नहीं दिखने को मिलता. जब वो सेम लेवल पे घूमता है जहां अर्थ है उसी के साथ ऐसे ऐसे घूम रहा है, तब हमें एक्सपीरियंस होता है, ठीक है. सो दैट यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ओके. सो राइट डाउन दिस, अर्थ इज एन ऑब्स्टिकल इन केस ऑफ ल्यूनर एक्लिप्स एंड इट ऑलवेज हैपन इन फुल मून फेस, ठीक है. हमेशा ये फुल मून फेस पे होता है. तो आपने ऐसा डायग्राम बनाना है, ठीक है. सबका हो गया, एवरीवन हैज डन, ओके. सो नेक्स्ट मूव टू द सोलर इक्लिप्स. सोलर इक्लिप्स से हमने एक्टिविटी के थ्रू कर लिया है. सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, सन इज हेयर, सन कहीं नहीं जाएगा, सन वहीं रहता है, सन नहीं घूमता. इट्स ऑलवेज मून एंड अर्थ दैट इज रिवॉल्विंग, ठीक है. सो नाउ इन दिस केस, इन सोलर इक्लिप्स, अब हमें ही तो, चाहे लूनर इक्लिप्स हो या सोलर इक्लिप्स हो, किसका किसको नहीं दिखता, वी ह्यूमंस ऑन अर्थ, है ना. तो यहां पर भी सोलर इक्लिप्स में क्या हो रहा है, इन सोलर इक्लिप्स अर्थ इज हेयर. अब अर्थ और सन के बीच में जो ऑब्स्टिकल है दैट इज मून, मून इज ऑब्स्टिकल हेयर,
एंड यू कैन सी मून इज स्मॉल स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू अर्थ, जो भी हमने एक्टिविटी के थ्रू किया भी. सो हेयर यू कैन सी जो सन की रेज है जो अर्थ पे पूरी पड़नी चाहिए, क्योंकि हम मून बीच में आ गया तो कुछ रेज जो है वो इस पे नहीं पड़ पाएगी. यू कैन सी सीधी जा रही है, थोड़ा टेढ़ा हो गया बेटा. तो ये वाली रेज जो है, ठीक है, लाइक दिस. सो सम रेज, जो रेज यहां से जानी चाहिए थी वो नहीं जा पा रही साइड से. देखो ये यहां से जा रही है, लेट मी मेक इट मोर क्लियर, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन रेक्टिलिनियर फॉर्म. इट इज गोइंग स्ट्रेट, ओके, सम रेज, ठीक है. अब ये वाली जो रेज है सन की, वो अर्थ पे नहीं जा पा रही. तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो लोग होंगे एट दिस पोजीशन, ओके, एट दिस पोजीशन, और ये जो कंट्रीज है, यहाँ पर जो कंट्रीज आएंगी वहां पर हम सोलर इक्लिप्स ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है. यहाँ पर सोलर इक्लिप्स जो है एक्सपीरियंस होगा ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ लाइट. मून सारी की सारी नहीं ब्लॉक कर सकता, बिकॉज मून इज स्मॉलर इन साइज, ओके. सो अब यहां पर भी पॉइंट क्या आ जाएगा, हेयर ऑब्स्टिकल. मून इज ऑब्स्टिकल हेयर, यहां पर कौन है ऑब्स्टिकल, मून. एंड ये कब होगा बेटा, डे टाइम में होगा सोलर एक्लिप्स, क्योंकि सन दिन में ही निकलता है और हमें मून नहीं दिख रहा. कौन से फेज में, न्यू मून में, हमें नहीं पता वो ऊपर स्काई में है, लेकिन वो प्रेजेंट है. जब वो जो इनविजिबल मून और सन के बीच में आ जाएगा तो वो हमें क्या करेगा, सन की लाइट को ब्लॉक कर देगा, ठीक है. सो इट ऑलवेज हैपन इन न्यू मून फेज, न्यू मून फेज, ओके. सो दिस इज द थिंग यू शुड रिमेंबर, जब आपका पेपर में एग्जाम में आएगा, यू फर्स्टली ड्रॉ द डायग्राम, देन राइट दीज पॉइंट्स, ठीक है, देन यू विल गेट द मार्क्स. इज इट डन, ओके. तो अब शेडो से निकल के आ जाते हैं हम थोड़ा नेचर की तरफ, ठीक है. जब हम नेचर की बात कर रहे हैं तो आई शो यू फर्स्ट वन थिंग, ठीक है. पिन होल कैमरा किस किस ने सुना है, ओके. सो पिन होल कैमरा लगभग सभी ने सुना है, सबका ये काम हो चुका है. हैव यू नोटेड डाउन, ओके. सो मूविंग टू द पिन होल कैमरा, इट इज वेरी इजी टू मेक, यू जस्ट नीड टू कार्डबोर्ड्स. यस, यू नीड टू बॉक्स, है ना, टू बॉक्स चाहिए होते हैं बेटा. और जो बॉक्स है, जो बॉक्स वन है, आपको एक ये होल बनाना है, सब ये बनाते चलो बेटा, नोट डाउन, मेक अ होल. और ये वाला जो उसका पार्ट है बैक साइड वाला, ठीक है, रिमूव करना है. ठीक है, ये रिमूव करना है. नाउ यू नीड टू टेक बॉक्स टू, जो कि इससे थोड़ा छोटा हो ताकि वो इसके अंदर जा सके. सो यू नीड बॉक्स टू, इसका आपने ये वाला पार्ट जो है इसको रिप्लेस करना है विथ ट्रेस पेपर. ओके, विथ ट्रेस पेपर, एंड इसका ये वाला पार्ट आपको रिमूव करना है. जब आप इसको रिमूव कर दोगे
और इस वाले बॉक्स को इसके अंदर डालोगे, देन यू कैन सी द इमेज। सब पहले बनाओ, देन आई विल शो यू। मेरे पास पिन होल कैमरा है यहाँ पड़ा हुआ। डन, बना भी लिया, दैट्स रियली गुड। सो नाउ आई हियर शो यू, दीज आर द टू बॉक्स, ठीक है। हियर यू कैन सी व्हाट आई हैव डन। सो नाउ जब आपने बनाया है, ठीक है, हियर दिस इज अ बॉक्स, यहाँ पर मेरे पास टाइनी होल है, ओके। आई ट्राई टू शो यू इफ इट्स विजिबल। दिस इज अ टाइनी होल हियर, ठीक है। नाउ हियर ऑन अनदर साइड, हियर यू कैन सी द पेपर, दैट इज बटर पेपर और ट्रेस पेपर, कैन यू सी। एंड हियर इमेज विल फॉर्म, इमेज जो बनेगी यहाँ बनेगी, तो मुझे यहाँ से देखना है, ठीक है। अब मैं ये वाला जो बॉक्स है जिसमें होल था, ठीक है, ये जो होल वाला है पार्ट है, इसको अब मैं आगे पीछे करूंगी बेटा, ताकि मैं फोकस कर सकूं और मैं जो है इस ट्रेस पेपर में देखूंगी। देखो अंदर बाहर आपने करते रहना है, जब तक आपको इमेज जो है इस साइड नजर ना आए, गॉट इट, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ, सो दैट इट बिकम मोर क्लियर टू यू हाउ पिन होल कैमरा यू कैन मेक एंड इट वर्क, ओके। केयरफुली एवरीवन वॉच इट। सो देखो ये एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स है, ये होल है, यहाँ पर आपका वो पेपर है जहां पर आपको एक कैंडल उल्टी नजर आ रही है, ओके। सो दैट इज हाउ दिस वर्क, इज इट क्लियर, क्लियर और नॉट। अब इसके एक इमेज लास्ट बनाओ, लास्ट इमेज इसकी। एवरीवन ये एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स हमने दिखा दिया है, और यहां पर ये जो येलो वाला पार्ट है, ये प्रेस पेपर आ गया आपका। जो फर्स्ट वाला है उसका यहाँ पर ये होल आ गया। अब अगर हमारे पास यहाँ पर ट्री है, ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर अभी ट्री है, अब क्या होगा, जो भी रेज है वो इस होल के थ्रू जाएगी, ठीक है, इस होल के थ्रू यहाँ पर इमेज जाएगी। अब वो कैसे जाएगी, इसके थ्रू। अब आप देखो बेटा, ऊपर वाली नीचे को आ रही है और नीचे वाली ऊपर को जा रही है, यू कैन सी दैट। अब जब ये यहां पर गई है, अब नीचे वाली अगर ऊपर को गई है, तो ऑब्वियस है नीचे वाला पार्ट कहाँ नजर आएगा, उल्टा नजर आएगा, ऊपर नजर आएगा, और जो दूसरा पार्ट है वो कहाँ नजर आएगा, ऐसे। इफ यू नोटिस, तो यहां पर इमेज कैसी बनी है, इट्स इन्वर्टेड और छोटी बनी है, स्मॉल इन साइज, छोटी बनी है और उल्टी बनी है। क्यों बनी है, जो ऊपर की रेस नीचे को गई है, नीचे की रेस ऊपर को गई है, गॉट इट। सो दैट्स व्हाई पिन होल कैमरा शो अस इन्वर्टेड एंड स्मॉल इमेज, एंड दिस इमेज इज रियल इमेज। कैसी इमेज है, रियल, रियल मतलब असली की जो रेज है उनसे बनी है, ठीक है, इट्स अ रियल इमेज, ये कोई भी हमारी सोची समझी वाली रेज नहीं है, ये जो है सामने वो स्क्रीन पे आई है, क्लियर है, यस, ओके। अब लास्ट थिंग दैट इज अबाउट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, अच्छा आप में से किस किसने कभी बॉल लिया है और उसको जोर से फेंका और वापस आई आपके पास,
सभी ने किया होगा, मैंने भी किया तो आपने भी किया ही होगा, है ना, यू ऑल हैव डन दिस। सो रिफ्लेक्शन क्या होता है अगर हम नॉर्मल वे में कहें, इट्स अ बाउंसिंग ऑफ लाइट, है ना, लाइट जो है बाउंस होती है। अब कैसे बाउंस होती है, रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग, बाउंस होना, वापिस आना। वट एवर वी कैन सी अराउंड अस, जो भी हमें अपने चारों तरफ दिख रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ बाउंसिंग। जो लाइट है, सपोज कर लो यहां पर मेरे पास टेबल पड़ा है या कुछ भी पड़ा है, एंड एनीथिंग, और यहां पर ये बल्ब लगा है, इससे लाइट इस पे गिरी, इससे टकराई, यहां पर वो वापिस गई, और यहां पर कोई खड़ा है तो उसको वो दिखा टेबल, क्योंकि वो लाइट जो है टेबल से टकरा के उसकी आंखों तक गई है, तो इसलिए इस पर्सन को, दैट दिस पर्सन कैन सी द इमेज और कैन सी दिस टेबल। वट एवर वी कैन सी अराउंड अस, इट्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रेनबो सबने देखा है, अब जो रेनबो होता है उसमें 7 कलर्स होते हैं, है ना, इट हैज 7 कलर्स। अब जो ये 7 कलर्स होते हैं, ये सारे मिलके कौन सी लाइट बनाते हैं, ये सारे के सारे जो रेनबो में कलर्स हैं विबग्योर, ये इकट्ठे होके व्हाइट लाइट बनाते हैं। और अगर हम कहें कि जो विबग्योर है, जो बना है, वो व्हाइट लाइट के टूटने से बना है, सो इट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, इट इज ऑल्सो करेक्ट टू से दिस ऑल्सो। सो ये जो हमें अलग अलग लाइट्स दिख रही हैं, वायलेट, इंडिको, ये सब, अब जैसे आपकी क्लास में सारे बैठे हैं बच्चे, कईयों को एक बार कहने पे ही चीज समझ आ जाती है, कईयों को दो बार कहने पे समझ आती है, कईयों को 3 बार कहने पे समझ आती है, सबको समझ आ रही है, लेकिन सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट है, इजंट इट। अब ऐसे ही जो हमारे पास ये 7 लाइट्स है, उनका जो लाइट रिफ्लेक्ट करने का जो, अगर हम कहें स्पीड समझ लो, या फिर फ्रीक्वेंसी समझ लो, फ्रीक्वेंसी अभी आपको नहीं आती, स्पीड ही समझ लो, ठीक है, वो अलग है कि ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है कि कम रिफ्लेक्ट करती है, और जो रिफ्लेक्ट हो रही है और जो हमें दिख रही है वो हम परसीव करते हैं। अब जैसे कि अगर आपको ये रेड कलर दिख रहा है, व्हाई यू कैन सी दिस रेड कलर, Because बिकॉज रेड कलर इज रिफ्लेक्टिंग, दिस इज लुकिंग, और क्या दिख रहा है, रेड दिख रहा है ना, व्हाई यू आर एबल टू सी दिस रेड कलर, बिकॉज रेड लाइट इज रिफ्लेक्टिंग हियर, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी दिस रेड कलर। नाउ विच कलर इज दिस, व्हाई यू आर एबल टू सी पिंक कलर, बिकॉज पिंक कलर लाइट इज रिफ्लेक्टिंग हियर, ओके। light. So based on which light is getting reflected, you can see that light. Got it? Yes or no? Okay. So that is all about today's session. Any doubt, do ask me if you have any doubt. किसी को कोई doubt है? चलो, that's clear. So let's meet in another class. Okay. Bye. Take care, students. Bye. Thank you.